नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में कब्रस्तान की ज़मीन सर्वे नंबर 107 पर जो मैंग्रोव है उसको जो है यहाँ के मनपा अधिकारी, मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी जो है उस मैंग्रोव को नष्ट कर रहे हैं। धनंजय गोसावी का नाम मुमरा शहर में बार बार आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही धनंजय गोसावी ने जो है कब्रस्तान की दीवार को तोड़ने की बात कही थी जिससे मुमरा शहर का माहौल गर्म हो गया था। लेकिन अब उसके बाद जो है धनंजय गोसावी का नाम आ रहा है मुमरा के जो खाड़ी से लगकर कब्रस्तान की ज़मीन है वहाँ पर जो मैंग्रोव हैं उस पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। सेव मैंग्रोव, सेव मुमरा। यहाँ पर इस मैंग्रोव को बचाने के लिए जो है यहाँ पर कुछ लोग जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो क्यों आंदोलन पर बैठे हैं और क्या मकसद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ इराकी है। सर, आप क्यों आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं? ऐसा है कि मैंग्रोव जो है ये हमारा एक जीवन का हिस्सा है और हमारे जीवन को, जीवन के हिस्सा को दिन ब दिन ख़त्म किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ़ हमारे जीवन के हिस्सा को नष्ट कर रहे, इसके खिलाफ मैं मैंग्रोव की बात कर रहे हैं। ये मैंग्रोव किस जगह पर है जो ख़त्म किया जा रहा है, उस जगह का नाम क्या है, किस जगह पर है? देसाई खाड़ी जो है, देसाई खाड़ी चूहा पुल का एक ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, उसके किनारे का दोनों तरफ जो है 50 से 60 मीटर या बोलोगे 100 मीटर का इस तरफ, 100 मीटर उस तरफ, ये दोनों एक मैंग्रोव का पट्टा है जो चलते हुए आ रहा है। ये दोनों तरफ लैंड माफिया और गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट के अधिकारी मिलके ये मैंग्रोव तोड़ने के चक्कर में चल रहा है। उनका कार्रवाई चालू भी है, मैंग्रोव तोड़ा भी जा रहा है, हमारे कंप्लेंट्स किए जा रहे हैं, हमारे कंप्लेंट्स पे कलेक्टर और तहसीलदार कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उनके खिलाफ हम इधर बैठे कि हमारे कंप्लेंट्स पे एक्शन लो और मैंग्रोव बचाओ। आप जो बता रहे हैं कि मनपा के अधिकारी हैं क्या जो जो ये मैंग्रोव को नष्ट कर रहे हैं? हाँ, 107 शिया कब्रस्तान जो है, शिया कब्रस्तान के पीछे का अभी जो रिसेंटली एक कार्रवाई हुई थी जहाँ JCB वगैरह घुमाया गया था, तो मैंग्रोव के पेड़ पूरे नष्ट कर दिए गए ना उधर शिया कब्रस्तान के ठीक पीछे। मनपा के अधिकारियों ने कार्रवाई की है ना मैंग्रोव का पेड़। मनपा के कौन कौन अधिकारी हैं, आप उनका नाम जानते हैं? उसके अंदर वीडियो हमारे पास जो आया था उसके अंदर धनंजय गोसा भी हमको दिखा था जो नष्ट कर रहा था। तो ये बता रहे हैं कि जो मैंग्रोव को नष्ट किया जा रहा है वो मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी हैं जो वहाँ पर मैंग्रोव को नष्ट करते हुए वीडियो में साफ तौर पर देखे गए। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे लेकिन इसके पहले और भी इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, कि आपने इसके लिए जो है किसी और उच्च अधिकारी से शिकायत की है? मेरा एक कंप्लेंट जो है CM से लेकर नीचे तक मैंग्रोव संरक्षण के लिए जितने मेंबर्स हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जितने मेंबर्स अपॉइंट किए गए CM से लेकर नीचे तक सबको मैंने कंप्लेंट फाइल किया और ये उसकी कॉपी है, ये उसकी कॉपी है। आप CM को भी जो है बता चुके हैं इस बारे में, CM की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? CM की तरफ से मुझे कुछ आश्वासन नहीं मिला है। दिल्ली में हर्षवर्धन जो है, जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज है, उनको जब मैंने कंप्लेंट फाइल किया तो उनकी तरफ से मेरे को एक लेटर आया कि हमने आपका ये लेटर जो है महाराष्ट्र स्टेट के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं और उनको बोला गया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, और उसके बावजूद महाराष्ट्र स्टेट जो है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी तक उसने नहीं की है। जो मैंग्रोव आप बता रहे हैं नष्ट किया जा रहा है, तो ये मैंग्रोव क्या रेत माफिया और मनपा के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं? देखो, ये जो मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं बोल सकता कि इसके अंदर रेती माफिया मैंग्रोव, रेती माफिया जो है ज़मीन से भी निकाल सकती है, किनारे से भी निकाल सकती है, ये मेरा काम नहीं है। हम जिस अधिकारी को कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं कि भाई इधर मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका काम है जगह पे आए सर देखे, अगर मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको रोके, और जो भी इसका जिम्मेदार है जैसे रेती माफिया हो या मनपा अधिकारी हो, जो भी इसका जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई दाखिल करे। आपका जो ये बेमुद्दत आंसर है, क्या ये चलता ही रहेगा? अभी जैसे है पुलिस ने हमको एक दिन का परमिशन दिया है, अगर आज के दिन हमको कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला, जैसे ऊपर के अधिकारी कलेक्टर तहसीलदार हमको अगर इसके ऊपर कोई भी FIR दाखिल नहीं करे या हमको कुछ भी अगर हमको इसका रिजल्ट हमको नहीं दे, तो हम पुलिस से वो करेंगे, फरियाद करेंगे कि हमको बेमुद्दत का परमिशन दे। जो जो अधिकारी, मनपा के अधिकारी इस मैंग्रोव को नष्ट करने में है, तो आप क्या चाहते हो उनको जो है क्या सज़ा मिलनी चाहिए? एक आम आदमी अगर कहीं मैंग्रोव रिस्ट्रक्शन के अंदर एक पेड़ काटता है तो उस पर गुनाह दाखिल होता है, तो मनपा का अधिकारी भी तो एक आम आदमी है। मनपा का अधिकारी होने की वजह से वो कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया ना, उस पर भी कानून लागू है, जबकि एक आम आदमी से ज़्यादा कानून एक मनपा के अधिकारी पे लागू है, तो हमसे ज़्यादा वो जानने के बावजूद अगर वो चीज कर रहा है तो उस पर तो डबल गुनाह दाखिल होना चाहिए था, तो हम ये चाहते हैं कि डबल उस पर गुनाह दाखिल होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अजीत भाटा साहब, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग मैंग्रोव को नष्ट कर रहे हैं कि उनके खिलाफ वो क्या चाह रहे हैं, क्या प्रोसीजर चाह रहे हैं आप लोग?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैनग्रोव है वो ज़्यादातर मेरी बीवी कॉरपोरेटर है, प्रभाग क्रमांक 30। ज़्यादातर वो मैनग्रोव मेरे एरिए में ही आता है, और जो लोग मुमरा में पहले से रहते तो उनको याद होगा 2005 का जो मामला हुआ था बरसात में, जो बाढ़ आई थी। तो जहाँ हम अब इस वक्त बैठे, इसके सामने के पट्टे का जो रोड है ना, यहाँ तक का पानी आया हुआ था। वो भी उस वक्त आज से 14 साल पहले वो मैनग्रोव इंटैक्ट थे, यानी अपनी जगह मौजूद थे, उसके बावजूद पानी यहाँ तक के आया था। आज वो सारे मैनग्रोव जो है बर्बाद किए जा रहे हैं, पर्सनल वजह से बोलो या किसी भी वजह से बोलो। कल को खुदा ना खास्ता फिर ऐसा कोई मामला कुदरती हो जाता है तो अब पानी रुकेगा नहीं, अब पानी रोड के इस तरफ भी आ जाएगा। ये नुकसान मुमरा के आम लोगों का है, लाखों मुमरा के आम लोगों का है। मैं इसके लिए इसके खिलाफ़ हूँ और आरिफ भाई का पूरा समर्थन करता हूँ। ये जहाँ जहाँ जब तक के इस आंदोलन जो मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि वो जो है मैंग्रोव को नष्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या चाह रहे हैं आपकी जो है कार्रवाई हो? मैंने आपको बोला ना कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो मनपा का अधिकारी हो के गवर्नमेंट का कोई बड़ा ऑफिशियल हो या CM हो या PM हो, ये कायदे के खिलाफ है। इससे लाखों लोगों की जान को नुकसान है, तो इसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा मैं उसके साथ में रहूँगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद है MIM के नगर सेवक शाह आलम भाई, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैंग्रोव जो नष्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ आप लोग आज यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो मैंग्रोव के ऊपर कार्रवाई लोगों ने किया, जो GCP लगा के लोगों ने ज़मीन को लेवल किए थे, खाड़ी को भर रहे थे, तो आरिफ भाई ने जिस हिसाब से बैठे हैं धरने के ऊपर, इनको हम समर्थन कर रहे हैं, अपना हमारी पार्टी समर्थन दे रही है कि हम इसके खिलाफ़ हैं। जो धनंजय गोस्वामी ने जो किया वो एक अधिकारी है, एक अधिकारी अगर ये काम करता है जिसको ये चीज़ नॉलेज में है कि ये मैंग्रोव है और इसके ऊपर ये सब काम नहीं होना चाहिए, जब वो अधिकारी होकर ये काम कर रहा है तो उसके ऊपर केस क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं हो रहा? और हम कलेक्टर से भी मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरीके से छानबीन किया जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको मैंग्रोव को बचाया जाए, ये हमारी मांग है। आपने सुना कि मैंग्रोव को बचाने के लिए यहाँ पर ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, जो मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोस्वामी हैं वो जो है मैंग्रोव को नष्ट कर रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए यहाँ पर ये लोग जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैंग्रोव को नष्ट ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंग्रोव को नष्ट किया जा रहा है, तो भारत की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोगों को भी जो है सजा दिलाने के लिए ऐसे लोग जो है अनशन कर रहे हैं। ना कि शासन प्रशासन जो है, शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर खुद जो है कार्रवाई करें, ना कि ऐसे अनशन होने के बाद शासन प्रशासन की नींद खुले। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।